जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। श्री हरदास, मैं 0 से 30 आज आपको अपने जीवन में जो हमको जीवन में जो आज हम जहाँ हैं, जो हमको सब कुछ मिला है, उसके लिए मैं अपने हृदय से आप तक मेरा चमत्कार मेरे जीवन में कहाँ से हुआ, मेरा भाग्य कहाँ से बदला और मेरे भाग्य में क्या क्या मिला मेरे को, और मैं आज उसके लिए आप सभी को कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जो कि मेरा भाव ये है कि एक शाखा जो कि मैं एक खेल खेल में जहाँ पहुँचा उस खेल में मेरा जीवन बदल दिया। और बदलने का क्या रहा कि जब मैं पहली बार जीवन में शाखा गया तो मेरे भाग्य में ना तो शिक्षा थी उस समय, जो बाल अवस्था थी, 10-12 साल की आयु में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा से मेरा जीवन निर्माण हुआ। और निर्माण होने में क्या मिला मेरे को, मेरा स्टार्टिंग वहाँ हुई, एक खेल से हुई, और जीवन का निर्माण भी एक खेल से ही हुआ। क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि वहाँ राष्ट्र निर्माण होता है, संघ की शाखा में होता है राष्ट्र निर्माण, परंतु मैं बच्चा बाल अवस्था में उसे कोई जानकारी नहीं है राष्ट्र क्या है, निर्माण क्या है, जीवन क्या है। वो तो खेल खेल में जाता है और खेल खेल में ही अपना जीवन वहां से निर्माण होता है। उस निर्माण में मैंने क्या पाया वो आप तक पहुंचे, और जो उस निर्माण से राष्ट्र निर्माण में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक शाखा के माध्यम से राष्ट्र में कार्य कर रहा है, उस कार्य में मेरा जीवन बदला है, मेरी दुनिया बदली है, मेरा भाग्य बदला है, जहां तक मैं कहूं कि मेरी मस्तक की रेखाएं ये भी बदली हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सब कुछ बदला है एक संघ की शाखा से। अब बदला क्यों, उसके लिए मैं कुछ आपको अपने हृदय से कुछ कहना चाहता हूं, जो आपके माध्यम मेरे माध्यम से आप तक पहुंचे और आप भी इस राष्ट्र निर्माण में अपना आनंद लें और आगे बढ़े। एक बच्चा जब घर से जाता है शाखा पर, उसके दिल में केवल एक ही अवस्था होती है खेल। जिंदगी हमारी खेल से स्टार्ट होती है, और खेल से स्टार्ट होकर क्या होता है कि वो बच्चा वहाँ जाता है खेल के लिए जाता है, वो खेलने के लिए जाता है, एक शाखा में जाता है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं देखता है, वहाँ के खेल खेल में जो उसको मार्गदर्शन मिलते हैं, और जो वहाँ पर जो हमसे पहले वहाँ बुद्धिजीवी लोग जो आते हैं उस राष्ट्र निर्माण में लगे हुए होते हैं, उनका अपना एक लक्ष्य होता है, हमारा खेल है उनका लक्ष्य है, उनका लक्ष्य और हमारा खेल जब दोनों एक होते हैं। जब हमने वहाँ क्या पाया, जब मैं संगीत शाखा में गया, मेरे पास ना शिक्षा थी ना भाग्य में पढ़ाई थी, और मैं खेल से गया और खेलने के लिए गया, और वहाँ से मेरे को क्या मिला, कौन सी वो ऊर्जा मिली, और कौन सा मेरा निर्माण हुआ, और वहाँ कौन सा राष्ट्र निर्माण हुआ, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वहाँ खेल खेल से स्टार्ट हुआ था जीवन, और खेलने से ही अपना दुनिया का खेल बनते देखा है। उस शाखा में जाकर मैंने देखा कि वहाँ जो व्यवस्था है उस शाखा की है, जो वहाँ का मुख्य शिक्षक है, जो वहाँ के शाखा के शाखाकार वहाँ हैं, वो किस अनुशासन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और वहाँ जो बाहर से बड़े बड़े अधिकारी आते थे सप्ताह में 5 दिन में जब हमारी बाल अवस्था थी, परंतु उनका जो बौद्धिक होता था सप्ताह में एक बार, उस बौद्धिक ने मेरे जीवन का निर्माण किया। क्या निर्माण किया, हम बाल अवस्था में खेल खेल में जाते थे, लेकिन जब हमारी क्लास 15 से 20 मिनट का जो बौद्धिक होता था उनका, बुद्धिजीवियों का, जब उस समय हम जैसा समझते थे जानते थे, उनको कहते थे प्रचारक। प्रचारक जो होते थे वो हमारी शाखा में उनका आना जाना लगा रहता था, और कुछ शहर के हमारे जो बड़े अधिकारी थे वो भी हमको मार्गदर्शन दिया करते थे, लेकिन हमारी भाव खेल में जाती थी, लेकिन हमको वहाँ सुनना पड़ता था, क्योंकि हमको तो खेल का आनंद आता था, लेकिन उन बातों का हमको कोई हमको बोरियत लगती थी कि क्या कह रहे हैं, खेल के लिए बुलाया था क्या सुना रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता था, क्यों जीवन खेल का था, लेकिन वो खेल के साथ उनका हमारा जीवन खेल का था, उनका राष्ट्र निर्माण का था, और खेल और राष्ट्र निर्माण का जो खेल हुआ और उससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, और आज मैं इस बात को अपने हृदय से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्टार्टिंग में जब हमारी हुई तो हमारा खेल में विशेष ध्यान था, और उस राष्ट्र निर्माण की ओर हमारा 1% भी ध्यान नहीं था, और वहां का जो अनुशासन था हम हंसना चाहते थे परंतु हंसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि निर्माण हमको हमारी गलतियां कहां से हुई, एक अनुशासन से स्टार्ट हुई, और अनुशासन हमको कहां मिला, खेल खेल में अनुशासन मिला। हम अनुशासन हमारे भाग्य में कहाँ था अनुशासन, क्योंकि हम गली मोहल्ले में कोई शिक्षा नहीं, छोटा मोहल्ला, और मेरा जो शाखा थी जो मथुरा में राम शाखा, यहाँ से मेरा राष्ट्र निर्माण और मेरे जीवन का निर्माण हुआ, और मैं वहाँ देखा मैंने उसमें
पाया कि एक दिन बौद्धिक होता है, उस बौद्धिक में मैं सुनता हूँ, मुझको ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो बौद्धिक था उस बौद्धिक में कुछ शब्द मेरे हृदय को हिलाने वाले थे, और हिलाने वाले थे, और उन्होंने शब्दों ने मेरे को हिलाया, मेरे मस्तिष्क को हिलाया, मेरे जीवन को हिलाया। वो शब्द क्या थे वो आप तक मैं आज पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले मेरे को, मतलब हम सभी स्वयंसेवकों को एक बोला कि आज मैं, आप बच्चे आते हो खेलने के लिए, लेकिन खेल खेल में हम कुछ को हमको आगे का भी प्लान करना चाहिए। अब हमने हमसे परिचय पूछा, हमने परिचय दिया, और उन्होंने क्या बोला कि भाई आप यहाँ आते क्यों हो खेलने, हमारा तो खेल में ही मन था, पर यहाँ खेल नहीं, यहाँ राष्ट्र निर्माण होता है। तो हमने देखा राष्ट्र निर्माण यहाँ इस खेल में क्या होगा, खेलने को बुलाते हैं और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, खेल है क्या? तो हमने उनसे जब उनका जो बौद्धिक, जो उनकी बोलने की जो शैली थी वो हमारे हृदय को छूने लगी। उन्होंने अपना जीवन जो हमको बताया, हमने अपना सारा जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया है, और जीवन अर्पित करने का लक्ष्य हमारा एक दिन का नहीं है कि हमको लक्ष्य एक दिन में मिल जाएगा, ये पूरा जीवन खपा देंगे तब जाके हमको लक्ष्य मिले ना मिले, लेकिन हमारा गति चलती रहेगी। तो हमारे हृदय को जो छूने वाली बात थी, उन्होंने एक दूसरा हमको बोला कि कुछ बच्चों के भाग में शिक्षा नहीं होती है, मेरे भाग में शिक्षा नहीं थी, परंतु उन्होंने एक बात जो उनकी बात मेरे को हृदय को छूई, उन्होंने कहा शिक्षा अगर नहीं है तो कोई दुख करने का आपको अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपने प्रयास भी नहीं किया, तो दुख करने की आपकी कोई जरूरत भी नहीं है, जो वो समय गया वो वापसी लौट कर नहीं आएगा। परंतु शिक्षा में क्या है, शिक्षा की ताकत कलम है, शिक्षा की ताकत कलम है, और जहां शिक्षा नहीं है वहां एक ही कार्य होता है, वहां सरस्वती मैया नहीं है तो वहां क्या होता है, फिर ये ज्ञान होता है, और ज्ञान शिक्षा से मिलता है, और जब हमारा कर्म ही पूजा बन जाती है तो वो ज्ञान हमको क्रम में दिखता है, और जो अनुशासन शाखा से हमको मिला वो अनुशासन हमारा जीवन बन जाता है, और जब जीवन बनता है तो उसमें परिवर्तन होते हैं। हमने देखा जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए पूरा जीवन करा कुर्बान और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इनको, परंतु हम तो खेल के लिए आते हैं। परंतु हमने देखा उनका राष्ट्र निर्माण का विजन, हमने देखा अपने परिवार के निर्माण का विजन, क्योंकि मुझ में शिक्षा नहीं लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी दुनिया कैसे बदलेगी, ये क्वार्टर विजन बहुत बड़ा है राष्ट्र निर्माण का। मेरा विजन अपने परिवार को जगाना, अपने कुल में परिवर्तन लाना है, ये भारत माँ के लिए इनका सपना है, मैं अपनी माँ के लिए सपना देखूंगा, क्योंकि मेरा जीवन मेरी माँ के लिए तो है, इनका राष्ट्र की माँ के लिए, तो मेरी माँ के लिए अब मेरा जीवन है। तो मैंने उसमें पाया अनुशासन, मुझको संगीत शाखा से मिला, और शाखा से अनुशासन मिला, और जो उनकी बातें मिली वो ऊर्जावान बातें मेरे को आज मेरे जीवन में चमत्कार किया। क्यों चमत्कार किया, मैंने वहां से क्या पाया, अब मैं वहां खेल खेल में गया था, और खेल खेल में क्या होता है, फिर हमारा एक विचार था हम कुछ कार्य करें, खेलने से काम नहीं चला, जिंदगी खेलने से नहीं चलती है। वहीं उसी शाखा में एक अधिकारी महोदय थे, वो शाखा आते थे, उनका भी एक व्यापार था, और व्यापार था तो हमने हमारी माँ ने उनसे कहा मेरे बच्चों को ही काम बताइए, और जिन्होंने काम बताया तो क्या बताया कि मेरी शॉप है आप मेरी दुकान पर भेजिए। उस बच्चे ने वहाँ एक झाड़ू पोंछे से अपना जीवन स्टार्ट किया, वो भी उस जीवन की पहला जो जिंदगी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट हुई। अब जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन जो विजन अनुशासन और जो धैर्य हमको जो दिख रहा था, हमको राष्ट्र निर्माण वो उनका विजन वो दिखा, एक हमारे को हमारे मन का विजन, माँ का सपना, परिवार का उज्जवल भविष्य, हमको कहाँ ले जाना है, क्योंकि हमारे को कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा जीवन हम स्वयं हम बोलते हैं मैं नारायण हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम परिवर्तन कर सकते हैं, हमको अपने ऊपर, हमको अपने अंदर अपने जो विजन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमको पाना है, पाना हमको डर से डरना नहीं है, हमको डर को डराना है, क्योंकि जीवन कुछ करने के लिए मिला है, डरने के लिए नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्र निर्माण जो मैंने उस शाखा में पाया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर कितनी बड़ी आपदाएं आई, इतने बड़े संगठन पर इतनी बड़ी आपदाएं, फिर भी संगठन रुका नहीं, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय चलने का कार्य है, और समय
उतार चढ़ाव ये जीवन के पहलू हैं, चाहे किसी के साथ हो। उस शाखा से मैंने जो पाया, वो शाखा जहाँ मेरा जीवन निर्माण हुआ, उस निर्माण से मैं देखता हूँ, उसी शाखा से जिस दिन उस शाखा में मैं गया, मेरा कोई विजन नहीं था, केवल खेल था। क्योंकि बच्चे में कोई विजन नहीं होता, कोई राष्ट्र निर्माण तो खेल से स्टार्ट जीवन होता है। उस शाखा में आप भी गए होंगे, आप जिस दिन गए होंगे उस दिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस शाखा का मुख्य शिक्षक बनूंगा। आपने सोचा था मैं इस शाखा से एक प्रचारक बनूंगा। आपने ये सोचा था इस शाखा से मैं एक नेता बनूंगा। आपने ये सोचा था इस शाखा से मैं एक विद्या भारती का अधिकारी बनूंगा। आपने ये सोचा था कि इस शाखा से मैं एक राष्ट्र निर्माण कर सकता हूँ, एक मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, एक राष्ट्रपति बन सकता हूँ, उस शाखा से एक उद्योगपति बन सकता हूँ, एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, उस शाखा से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता हूँ, जीवन में क्रांति ला सकता हूँ, सभी फूकी ऊर्जा जो नेगेटिव ऊर्जा उनको पॉजिटिव कर सकता हूँ। उसी शाखा से निकली हुई हजारों आज वर्ल्ड में दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। और आज वो संगठन जिसको एक छोटी सोच से देखा जाता था, आज वो संगठन देश पर राज्य कर रहा है, दुनिया में उसका बोलबाला हो रहा है। वही एक शाखा आज दुनिया पर राज्य कर रही है और एक भारत को महाशक्ति बनाने के लिए आगे कार्य कर रही है। क्यों? एक विजन जो हृदय में जो भाव है, जो उनके तप जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, वो तप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? जीवन चलने के लिए है। इसलिए मैं एक ही निवेदन करूंगा, आप उस राष्ट्र निर्माण में और अपने जीवन निर्माण में, हमारा जीवन निर्माण हो रहा है उस शाखा से जो निर्माण हो रहा है अपने जीवन का, उस निर्माण में आप सहभागी बने। और मैं इसी के साथ इतना कहूंगा कि जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय श्री राधे।